नौकर ही निकला चोर, पुलिस ने आरोपी नौकर को गिरफ्तार कर लिया है। मुंबई से सटे पालघर जिले के अंतर्गत आने वाले नालासोपारा इलाके के तुलंज पुलिस ने एक ऐसे शातिर चोर को गिरफ्तार किया जो कि अपने ही मालकिन के घर से लगभग 5 लाख से ज्यादा के सोने के गहनों को चुराकर खुद को निर्दोष बता रहा था। दरअसल 28 फरवरी के दिन तुलिंज पुलिस स्टेशन में एक महिला जिसका नाम सुनीति बताया जा रहा है, उनके द्वारा FIR दर्ज कराया जाता है कि उनके घर में चोरी हुई है और मोबाइल फोन सहित लाखों के गहने चोरी हो गए। तुलिंज पुलिस की डिटेक्शन ब्रांच अपने वरिष्ठ मार्गदर्शन में मामले को संज्ञान में लेते हुए जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस शक के आधार पर सुनीति के घर में रह रहे नौकर से भी पूछताछ करती है, तभी तुलिंज पुलिस को फोन आता है। पुलिस ने जिस नौकर से पूछताछ किया था वो अचानक फिनाइल पी लिया है। फिर तुलिंज पुलिस की डिटेक्शन टीम नौकर के मोबाइल फोन की जांच करती है जिसमें उनको कुछ जानकारी हासिल होती है, और उसके बाद पुलिस ने जब नौकर और उसके दोस्त को पकड़ कर सख्ती के साथ पूछताछ चालू की तब नौकर ने अपना गुनाह कबूल किया और चोरी किए हुए गहने जिसको उसने पहाड़ पर किसी पत्थर के नीचे छुपाया हुआ था उसको वापस लिया, और पुलिस सभी गहने अपने कब्जे में लेकर नौकर के ऊपर कार्रवाई कर रही है। हम आपको बता दें कि जिस नौकर ने इस चोरी की घटना को अंजाम दिया था वो सुनीति के घर में लगभग 12 से 15 सालों से रहता था। फिलहाल तुलिंज पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर रही है।